पटना में जो 3 तारीख को हम लोग महागठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं, उस रैली में आप सब लोग पटना आइए, तो पटना आइएगा ना, सब लोगों का समर्थन रहेगा ना। 3 तारीख को आप लोग पटना आएंगे ना, ये हमारा नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दूसरा चरण जो है वो हाजीपुर से होकर जो उनका रोड शो है वो अब वैशाली पहुंचा है। वैशाली में उन्होंने जोरदार हुंकार भरी है और वैशाली वासियों से अपील की है और उन्हें कहा है कि आप 3 तारीख को पटना आएंगे ना। आपको बता दें कि 20 तारीख से लगातार तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर है और आज से उनका दूसरा फेज का जो जन विश्वास यात्रा है वो शुरू हो चुका है और जो ये यात्रा है वो हाजीपुर से होकर आज वैशाली पहुंची है और वैशाली होते हुए सुपौल और तमाम जिले जहां अभी तक जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नहीं गए हैं वहां पहुंचेंगे। देखिए, 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस जो है इस रैली में आपने जो पहले चरण की जो जन विश्वास यात्रा थी उसमें आपने देखा था कि तेजस्वी यादव ने जनसभा भी संबोधित की थी, लेकिन इस बार जो दूसरे चरण की रैली हो रही है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ तेजस्वी यादव द्वारा रोड शो कराया जाएगा, इसमें कोई जनसभा संबोधित नहीं की जाएगी। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से तेजस्वी यादव अपने दूसरे चरण की जन विश्वास रैली पर निकल गए हैं और इसी रैली के तहत जो है वैशाली पहुंचे और वैशाली के बाद तमाम अलग अलग जिलों में भी पहुंचेंगे। पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव जो है वैशाली वासियों से अपील करते हैं कि 3 तारीख को वो लोग पटना आए। यात्रा जो है अब शुरू हो चुकी है और ये यात्रा हाजीपुर से शुरू हुई है और इस यात्रा के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे बल्कि जो है सिर्फ रोड शो ही कराएंगे और इस दौरान वैशाली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने वैशाली के लोगों से अपील की और उन्हें धन्यवाद भी किया। उन्होंने वैशाली के लोगों से कहा कि आप लोग 3 तारीख को पटना पहुंचेंगे ना। आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।